हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे यार? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो चलो, मैंने एनिमी डिटेक्टर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि एनिमी डिटेक्टर क्या है, इसका क्या फ़ायदा होता है, आप इसे कैसा यूज़ करोगे। तो मैं चलो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो बताते हैं एनिमी डिटेक्टर का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एनिमी का लोकेशन आसानी से पता चल जाएगा और आपको कहाँ से लेना चाहिए। देखो, ये दो दो बाउंड्री टोकन है। ये वाला बाउंड्री टोकन जो है ये आपको एनिमी किल करने पर मिलेगा। तो दूसरा वाला बाउंड्री टोकन जो है ये एनिमी डिटेक्टर है, ठीक है भाई, ये आपने लेना है। ये देखो मैंने ले लिया। अब मैं गेम स्टार्ट करता हूँ, मैं अभी क्लासिक गेम खेलता हूँ, गेम स्टार्ट करता हूँ। जब आप इसे यूज़ करते हो ना तो आपको एनिमी आसानी से दिख जाएगा, वो भी दो तीन दफ़ा। ये मेथड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस न्यू अपडेट में, और आप आसानी से एनिमी को किल कर सकोगे अगर लास्ट एनिमी बचा हो। शायद ये तो रैंक गेम में भी काम आ सकता है ये वाला गैजेट। तो चलो भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि आप एनिमी डिटेक्टर का यूज़ कैसे करोगे। मैंने बैक क्लिक किया, देखो एनिमी डिटेक्टर आ गया। ये ऊपर वाला देखो, आपने सीधा सिर्फ यूज़ पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं यूज़ पर क्लिक किया, ये देखो मुझे एनिमी का लोकेशन पता चल गया, यहाँ पर एनिमी है। अब मुझे ये लोकेशन तो पता चलेगा मगर ये कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ देर के लिए है, कुछ देर के लिए आपको ये लोकेशन दिखेगा ये एनिमी का। ये देखो यहाँ पर एनिमी है। तो इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। मैं इस तरह के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। ये देखो एनिमी यहाँ पर मुझे दिख गया लोकेशन, पहले यहाँ पर था दूसरा एनिमी, फिर तीसरा दूसरा एनिमी यहाँ पर था। देखो यहाँ पर लोकेशन मुझे पता चल गया। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको इस तरह के वीडियो अपलोड करूँगा, शायद आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।